चावल का दाम 25% बढ़ गया है, जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करना है। इस टाइप का सवाल में आप बहुत सा ट्रिक लगाते हैं, लेकिन देखिए सिंपल वे में हो जाएगा। जब भी नया भाव होगा उसको 100 पूरा दीजिएगा, पुराना भाव में बढ़ाना या घटाना है। तो देखिए बोल क्या रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव, देखिए नया भाव का चर्चा हुआ, अभी तुरंत बोला नया भाव को सिर्फ 100% पुराना है, जितना भी परसेंट है, जैसे 25 है, 25% को हमको 100% पुराने में 4 से गुना करना होगा। तो क्या करेंगे, जय के जी ज़्यादा या कम मिलता है उसमें उतना से ही गुना करेंगे, जैसे 10 से है तो 4 से गुना किया, कितना हो गया 40। अभी जो 40 आया टोटल अमाउंट में भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए 400 है टोटल अमाउंट, उसमें 40 से भाग दे दिए, कितना आ गया 10, ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। देखिए सेकंड नंबर सवाल, मैदा 10% महंगा हो गया, ठीक है, जिससे 440 रुपये से 2 केजी कम मैदा मिलने लगा। पहले 440 में 2 केजी ज़्यादा मिलता था, अब 2 केजी कम मिलने लगा। मैदा का पुराना भाव मांग रहा है, अभी तुरंत आपको बोले नया भाव में परसेंट को 100 पुराना है, लेकिन नया भाव में जितना बढ़ेगा या घटेगा उतना पुराना है। तो 10% महंगा हो गया, तो 100 में उनके चले पहले मिलता था, अब 110 में मिलेगा। तो 10% को कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, 11 से, तब 110 पूरेगा। तो जय किलो ज़्यादा या कम मिलता है उसको भी उतने से गुना करना पड़ जाएगा, 11 गुना 2 कितना हो जाएगा 22। अभी जो आया उसमें टोटल अमाउंट में इससे भाग दे देना है, तो टोटल है आपका 440, उसमें भाग दीजिए 22 से, 22 × 44 = 0 आपका हो गया 20, आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर सवाल, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है। सामान का नया भाव, नया भाव में अभी तुरंत बताया गया कि परसेंट को 100 पुराना है, जैसे 20 है, 20% है, इसको 100 पुराना है, 5 से गुना होगा। तो जय केजी ज़्यादा या कम मिलता है उसको उतने से गुना करना है, 5 × 6 = 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, बस 33 से टोटल अमाउंट में भाग देना है आपको। टोटल कितना है आपका 240, 240 में 3 से आप भाग दीजिए, 0 0 3 8 24 हो गया आपका 8। देखिए अब चौथा सवाल है आपका, एक वस्तु 20% सस्ती हो गई होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलने लगा। 20% सस्ती हुई तो 5 केजी अधिक मिलने लगा 500 रुपये में। तो ज्ञात करें कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, तो पहले का दर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, पुराना वाला दर पूछने लगा या नया वाला। वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, तो पहले वाला दर पूछ रहा है 20% सस्ती हुई, तो उसको जो है आपको पुराना हो जाएगा 480, 20 एक वस्तु, हाँ तो बोल रहा है एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलने लगी। तो याद करें कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, मतलब पुराना, पुराना में आपको बताया अगर सस्ता हो गया 20 तो 100 का सामान कितना हो गया 80, तो 20 को 80 पुराने में कितना से गुना करना होगा, 20% को 80 पुराने में 4 से, तो उसी तरह जितना कम या ज़्यादा हुआ उसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 5 × 4 हो गया आपका 20। अब यही 20 से आपको टोटल अमाउंट में भाग दे देना है, तो 500 / 20 0 0 कितना हो गया 25, यह हो गया आपका आंसर 25। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता है चीनी का भाव 25% घट गया है ना, अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलने लगा। चीनी का नया में जानवे करते हैं कि जो भी परसेंटेज उसका 100 पुराना होता है, जैसे कि आपका 25% है, उसको 100 पुराने 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जितना कम या ज़्यादा चीनी हुआ उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या हो जाएगा 40 × 40। तो नया भाव आपका कितना हो जाएगा 480 / 40 कट गया आपका, हो जाएगा 12 नया भाव हो गया। आज अब पुराना भाव पूछेगा तो जानबे करते हैं जितना घटेगा उतना पुराना है, हमको मान के 100 का खेल है, 100 में 25 घट गया 75 है, तो 25 को 75 पूरा मिले कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, तो जितना कम या ज़्यादा मिलता है उसको भी 3 से, तब आपका हो जाएगा 30। फिर यह 30 से आप 480 में भाग दीजिएगा, 3 × 3 = 18 आपका क्या आया 12 और 16, पहला ऑप्शन हो गया आपका 12 और 16। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब आएगा उसके अनुसार वीडियो डाला जाएगा।